तो फिर कोई गाना सुनाइए ना, और सोचा कि इस हराम दादे से एटम बम था। ये तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वो लोग असला लहराते हुए, और सब कुछ बकदोगे। कर्तबा ऑडियो लाइब्रेरी का मकसद ऐसे अफराद की मदद करना है जो कि इल्मी और अदबी दुनिया से दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन कुतब की अदम दस्तयाबी या दीगर मुश्किलात की वजह से किताबें पढ़ने से माजूर हैं। हमारा मकसद है फर्द और किताब में फासला कम करके एक पढ़े लिखे माशरे की बुनियाद को मजीद मजबूत किया जाए और इल्म व आगही की इस तहरीक को परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा किया जाए। हम आप तमाम अफराद से भी इस कार्य हैर में अपना अपना हिस्सा डालने की भरपूर अपील करते हैं और उन तमाम अफराद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो अपने माल और वक्त कुर्बान करके इस कार्य हैर में हिस्सा लेते हैं, ताकि रोशनी के इस मीनार को मजीद बुलंद और रोशनतर किया जा सके। आपसे गुजारिश है कि कर्तबा ऑडियो लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बारे में दूसरों को भी बताएं, ताकि हमारी ये कोशिश दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो सके। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट www.kartaba.org को विजिट करें। किताब घुंघरू और कशकोल एपिसोड 3। हेलो मिस्टर अहमद रजा, एक खूबसूरत और नौजवान लड़के ने अहमद रजा को मुहातिब करके उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो रजा ने हैरानी से उसे देखा और उसे हाथ मिलाया। वो कॉलेज के लॉन में बैठा ताज़ा गजल लिख रहा था, एक पीरियड फ्री था। वो लड़कों और लड़कियों से बचता हुआ इधर आ निकला। फिर ये नई मुसीबत क्या आ गई? कौन है ये? रजा के चेहरे पर कुछ नागवारी सी झलक रही थी, लेकिन मुरवतन वो मुस्कुरा रहा था। आने वाला उसके पास ही घास पर बैठ गया। वो ब्लू जीन्स और ब्लैक कलर की टी शर्ट में मलबूस था, दरमियान में मांग निकाली हुई, सर पर अच्छे खासे बाल थे जो सलीके से संवारे गए थे, गोरा चिट्टा रंग और कद भी अच्छा था, लेकिन रजा से कम ही था। रजा ने चंद ही लम्हों में उसका जायजा ले लिया था। मेरा नाम तमास है, मैं आज ही इस कॉलेज में एंटर हुआ हूँ। हर किसी की जबान पर तुम्हारा ही नाम है। मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही मैं ज्यादा दोस्त बनाने के हक में हूँ। मुझे चिड़ सी होती है जब बहुत सारे लोग जो हाथ मिलाने वाले होते हैं खुद को तुम्हारा दोस्त कहना शुरू कर देते हैं, और जब अपना उल्लू सीधा हो जाए तो सलाम दुआ के बगैर ही रुखसत हो जाते हैं। मैं एक अच्छा दोस्त बनाना चाहता हूँ जो मेरी तरह हो और तुम्हारी तरह हो। तमास बहुत ज्यादा बोल रहा था और रजा उसकी बातें सुन रहा था। वो फिर बोला, पूरे कॉलेज में एक ही बात मशहूर है कि रजा का कोई दोस्त नहीं। ये बात नहीं कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, बल्कि ये अच्छी बात है कि तुम बुरे आदमी नहीं हो और अच्छे बुरे दोस्तों से दूर हो। अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? ये कहकर उसने अहमद रजा की तरफ हाथ बढ़ाया तो रजा ने दोनों हाथों से उसका हाथ थाम लिया और बोला, मिस्टर तमास, सबसे पहले तो आपको इस कॉलेज में मैं खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह पढ़ने ही आए होंगे। दूसरी बात ये कि मैं कोई दोस्त नहीं बनाता, तो ये मेरी आदत है। तीसरी बात ये कि मैं आपसे दोस्ती कर लूं, तो मैंने बहसियत कॉलेज फेलो आपका हाथ थाम लिया है, लेकिन हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। ये कहकर उसने धीरे से तमास का हाथ छोड़ दिया। तमास जेरे लब मुस्कुराया और गोया हुआ, रजा, मैं एक अमीर बाप का बेटा हूँ। कई मुलाजिम मेरे आगे पीछे मेरी हिदमत के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं। कई लोग मेरा दोस्त बनने पर फख्र महसूस करते हैं। मेरे पास रुपये पैसे की कमी नहीं है। मेरे घर में खुशियाँ रक्स करती हैं, लेकिन मैं तन्हा हूँ। ये नहीं कि वालदेन की इकलौती औलाद हूँ, नहीं, ये बात नहीं है। मेरी दो बहनें हैं, एक की शादी हो चुकी है और एक मुझसे 2 साल छोटी है और MA नफ्सियात की तालिबा है। छोटी होने के बावजूद मुझसे आगे निकल गई है। खैर, मैं अपनी तन्हाई दूर करने के लिए किसी दोस्त की जरूरत महसूस करता हूँ। ऐसा दोस्त जो मेरा भाई भी हो, मेरे दुख दर्द बांट ले, मेरे गम समेट ले। प्लीज मेरे भाई, इस पूरे कॉलेज में मैं समझता हूँ कि तुम ही समझदार और अच्छे दोस्त बनोगे। तमास तो रोने वाला हो गया था। अच्छा तमास साहब,
आप अभी इस कॉलेज में ही हैं, आपसे मुलाकात होती रहेगी और हो सकता है कि ये मुलाकातें दोस्ती में बदल जाएं। हाय। ये कहकर अहमद रजा वहां से उठकर चला आया और तमास वहां बैठा रहा। रजा ने कॉलेज कैंटीन से चाय पी और क्लासरूम की तरफ चला गया। साथ वाली सीट पर तमास को बैठे देखकर वह हैरान हुआ कि ये तो कॉलेज फेलो ही नहीं बल्कि क्लास फेलो भी है। तमास ने रजा को आते देखकर आंख मारी और मुस्कुराया। रजा भी मुस्कुराता हुआ उसके पास बैठ गया। चलो कुछ तो फासले कम हुए, तमास बोला। तुम तो लड़कियों की तरह मेरे पीछे पड़ गए हो, तुम्हारे मतलब कुछ सोचना पड़ेगा। अहमद रजा भी मुस्कुरा दिया। इतनी देर में प्रोफेसर साहब अंदर दाखिल हुए। तालबिलों ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और प्रोफेसर के सिट डाउन कहने पर तमाम लोग बैठ गए। सबसे पहले तो मैं आपसे अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम अताउल्ला है और मैं तो फिर कोई गाना सुनाइए ना। प्रोफेसर की बात पूरी होने से पहले ही किसी ने पिछली नशिस्तों से आवाज लगाई तो क्लास जाफरानी जार बन गई। प्रोफेसर साहब भी मुस्कुरा पड़े और बोले, बच्चा लोग ये कॉलेज है और एमए इंग्लिश की क्लास का पहला दिन है, यहाँ कौन सी फोतगी हुई है जो मैं आपको गाना सुनाऊं? वैसे भी मैं लाहौर से हूँ, ईसा खेल से नहीं, वो तो लेजेंड है। आपसे अच्छा ताल्लुक रहेगा, आप बातें अच्छी करते हैं, आपको तो स्टेज एक्टर होना चाहिए था। एक बार फिर उनकी बात पूरी ना होने दी गई। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाया करूंगा और हैरानगी की बात यह है कि मुझे इंग्लिश आती भी है, वो भी मजाहिया मूड में थे। मुझे इल्म है कि आप लोग मुझसे तकरीबन दो दो या चार चार साल छोटे होंगे। अगर मैं बड़ा बन जाऊं, टीचर बन जाऊं और आपको शागिर्द समझूं, तो शायद ये क्लास दो तीन दिनों से ज्यादा ना चल पाएगी, लेकिन हम यहाँ दोस्ताना माहौल में पढ़ेंगे ताकि ये दो साल अच्छे अंदाज में गुजर सके। अब आपकी तबीयत में ठहराव आ गया हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। यस सर, आगे आकर बात आगे बढ़ाएं। पीछे से आपका वॉल्यूम कम सुनाई देता है। फिर किसी ने फिक्रा चुस्त किया था। रजा के अलावा तमाम क्लास वाले मुस्कुरा दिए थे। मेरे वॉल्यूम का कसूर नहीं है बल्कि तुम कानों में लगाने वाली टूंटी घर भूल आए हो, अच्छा जवाब था। आप लोग जो बीए क्लियर करने के बाद इस क्लास में आए हैं, अपना अपना तारुफ करवाएं ताकि जो तालिब इल्म या तालिबात इस क्लास में नए आए हैं उन्हें आपसे वाकफियत हो सके। सबसे पहले अहमद रजा ने अपने तारुफ करवाया, उसके बाद तमाम पुराने लड़कों और लड़कियों ने अपना अपना तारुफ करवाना शुरू कर दिया। हाँ तो अब मैं चंद नए लड़कों और लड़कियों का आपसे तारुफ करवा दूं। मैं जिस जिस का नाम पुकारूं वो अपनी नशीस पर खड़ा हो जाए। प्रोफेसर साहब बोले, मारिया असलम। कमरे के कोने से एक लड़की खड़ी होगी जो कि खूबसूरत थी और स्मार्ट भी। सभी लड़कों ने मुड़कर देखा और ओ की आवाज निकाली। इनका ताल्लुक मतवस्त तबके से है और काफी जहीन है। इनके वालिद करियाना का काम करते हैं और अब मैं जहमत दूंगा मिस्टर अलीम डार को रजा की नशिस्त से। एक लड़का खड़ा हुआ। ये साहब इसी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के साहबजादे हैं और जाहिर है लायक होंगे। और आखिरी स्टूडेंट, मेरा मतलब है कि जिनका तारुफ बाकी है, अहमद तमास। रजा के साथ बैठा हुआ अहमद तमास खड़ा हो गया। अमीर कबीर बाप के लाडले बेटे होने के बावजूद भी ये काफी इंटेलिजेंट है। अपनी दौलत को कभी अपनी शख्सियत पर असर अंदाज नहीं होने दिया। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि ये हमारी कॉलोनी के अच्छे लड़कों में शुमार होते हैं। और बड़ी बात ये कि ये एमएन ने राजा सलीम के साहबजादे हैं, लेकिन कभी बाप की शख्सियत का सहारा लेकर अपना नाम, अपना काम और अपना तारुफ नहीं करवाया। ये इनकी सादगी है और बड़ापन भी है। ओके, मेरा ख्याल में तुम सब एक दूसरे के नामों की हद तक एक दूसरे को जान चुके होगे, बाकी आहिस्ता आहिस्ता मजीद जान जाओगे। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। और फिर सारी क्लास खामोशी से प्रोफेसर साहब का लेक्चर सुनने लगी। आकाश को होश आया तो बदस्तूर उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। कमरे के तीनों दरवाजे बंद थे, उसका सर चकरा रहा था, लेकिन वो मजबूत अज़ा और कवि आसाफ का मालिक था। हिम्मत जमा करके उठा और सबसे पहले तो उसने खुद को खोलने के लिए इधर उधर देख कर कोई चीज तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी चीज नजर न आई। उसे हाल की छत पर निगाह दौड़ाई तो उसके जहन में फौरन काम करना शुरू कर दिया।
क्योंकि काफी ऊंचाई पर एक रोशनदान था जिसे हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी। इसका मतलब था कि वो सारी रात बेहोश रहा है। उसे दीवार के साथ साथ लगे हुए तीनों दरवाजों को बारी बारी गौर से देखा तो उस पर इंकशाफ हुआ कि वो दरवाजे नकली थे और दरमियान वाला दरवाजा ही असली था। नकली से मुराद ये कि दीवार पर दरवाजे की चौखट बनाकर लगाई गई थी और जाहिर होता था कि दरवाजे हैं, यानी इस तहखाने में आने और जाने का इकलौता दरवाजा था जो यकीनन बंद होना चाहिए था और बंद भी था। उसे बाहर निकलने के लिए रोशनदान तक पहुंचना था लेकिन हाथ पांव कस कर बांधे गए थे। उसे बहुत कोशिश की लेकिन नतीजा सिफर रहा। वो इसी कश्मकश में मसरूफ था कि वाहिद दरवाजा खुला और जूनियर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे एक मर्द हाथ में एक ट्रे उठाए हुए था जिस पर नाश्ते का सामान था, अंडे, स्लाइस और चाय वगैरह। उसने टेबल पर ट्रे रखी और जूनियर के इशारे पर वापस चला गया। जूनियर ने आगे बढ़कर आकाश का एक हाथ खोलकर उसे खाने के लिए कहा क्योंकि दूसरा हाथ दोनों टांगों के साथ ही बंधा रहने दिया। आकाश टेढ़े मेढ़े अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया और सामने वाली कुर्सी पर जूनियर हाथ में पिस्टल लेकर बैठ गया। जूनियर भाई, अगर आप इजाजत दें तो नाश्ता शुरू करूं? आकाश ने पूछा और सोचा कि इस हराम दादे से कुछ न कुछ उकलवाया जा सकता है। जूनियर इसके लिए कोई मसला न था और पिस्टल की भी कोई अहमियत न रखता था। हाँ शुरू करो और बातें मत करो वरना तुम्हें अभी शूट कर दूंगा, जूनियर के लहजे में जहर भरा हुआ था। अच्छा भाई, नाराज क्यों होते हो? तुम्हारी मेहरबानी है कि भूखे नहीं मरवाया, नाश्ता ही दे दिया, शुक्रिया। जूनियर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आकाश ने खुले हाथ से सलाम किया और कोट की जेब को टटोलना शुरू कर दिया। उसे याद आया था कि उसने घर से निकलते वक्त पिस्टल जेब में रखा था लेकिन हस्बे तवक्का जेब खाली थी और जूनियर ने अपने कद से बड़ा कहका लगाया। आकाश ने जहरीले अंदाज से उसकी तरफ देखकर नाश्ता शुरू कर दिया। भोले भाले आकाश भैया, आपको इतना भी मालूम नहीं कि इंटरनेशनल लेवल की तंजीम हो या ग्रुप हो, वो बेहोश आदमी की तलाशी ना लें तो लानत है उनकी तंजीम साजी पर और तरबियत पर भी। जूनियर ने गोया उसे आगाह किया था कि वो इसकी तलाशी ले चुके हैं। बात यह है कि मुझे सिगरेट की तलब हो रही थी इसीलिए जेब टटोल रहा था, आकाश ने बात बदली और चाय पीना शुरू कर दी। नाश्ता खत्म हो गया तो जूनियर ने टेबल के नीचे लगा हुआ बटन दबाया। वही आदमी अंदर आया और बर्तन समेट कर जाने लगा तो आकाश चौंक सा गया। उसने उस आदमी को कहीं देखा था लेकिन कहां देखा था याद नहीं आ रहा था। उस वक्त जूनियर की मौजूदगी में उसने दिमाग पर जोर देना मुनासिब ना समझा। जूनियर ने उठकर आकाश का हाथ बांधना चाहा। उसने जेब में हाथ डालकर एक कागज निकाला जो कि तय किया हुआ था और आकाश जहनी और जिस्मानी तौर पर फ्रेश हो चुका था। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो जूनियर को दबोच लेगा और जाहिर है जूनियर हाल में मौजूद है तो दरवाजा भी खुला होगा। लेकिन जूनियर ने आकाश को मुंह पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया और कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया जिसकी तह नहीं खुली थी और ऊपर लिखा हुआ था, मैं दोस्त हूँ, मेरे जाने के बाद इसे पढ़ना, जूनियर। आकाश को हैरानी की हालत में छोड़कर दरवाजा बंद करके वो बाहर निकल गया। आकाश ने हैरत के समुन्दर से निकलकर कागज को खोलना शुरू किया और सोचता भी रहा कि जूनियर कौन है और उसे क्या मजबूरी है जो उसने आकाश को यानी तंजीम के दुश्मन को दोस्त कहा था। कागज खोलकर पढ़ना शुरू किया तो आकाश की कभी हैरत और कभी गुस्से से रगे फूल गई। तहरीर ही ऐसी थी, वो तहरीर पढ़कर पागल हो गया था। उसने जूनियर की अजमत को सलाम किया। तहरीर से तमाम हालात आश्कार हो गए थे जो उसके मुल्क में पैदा होने वाले थे। उसके मुल्क को खुदा ना हास्ता नेस्तो नाबूद करने के इरादे से आए हुए दुश्मन की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। वो तहरीर क्या थी? एटम बम था जो आकाश पर गिरा था। वो चोर, डाकू या लुटेरा था लेकिन अपने मुल्क का हैरहा भी था। उसे सुन रखा था और पढ़ा भी था कि बहुत सी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया है। सिखों और हिंदुओं ने कितनी मुसलमान बहुओं, बेटियों, माओं और बहनों की इज्जतें पामाल की थी, उनकी असमतों से खेला था,
कई बार चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए इस मुल्क की राह में रुकावट बनना चाहा था, लेकिन अल्लाह की रहमत से और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से ये मुल्क 27वीं रमजान की शब मार्ज वजूद में आ ही गया और 14 अगस्त 1947 के बाद से अब तक कुर्बानियां ही देता आया था। इसकी तरक्की की राह में हर दुश्मन मुल्क ने दीवार खड़ी की, लेकिन ये आगे बढ़ता गया और दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत मुल्क बनकर उबरने की कोशिश करता रहा। इसकी सफों में मीर जाफर जैसे हजारों गद्दारों ने इसे दिन रात लूटा, खसूटा, नोचा और जी भरकर मौज मस्ती की। इस मुल्क को अपने इशारों पर नाचने पर मजबूर किया। कभी किसी से इसका सौदा कर दिया और कभी किसी से सौदा कर दिया, लेकिन कलमा तैयबा के नाम पर हासिल किया गया ये मुल्क हर बार अल्लाह की रहमत से महफूज रहा था। इस मुल्क की हुक्मरानी के लिए जो शख्स भी कुर्सी पर बैठा बस अपनी ही सोची, अवाम के लिए कभी कुछ ना किया। दरअसल अवाम आज भी बेहतरी के हवा हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई फरिश्ता आएगा जो इस मुल्क से गद्दारों का सफाया करेगा, अवाम और मुल्क से इंसाफ करेगा। गुज़श्ता 56 बरस इसी आस में गुजर गए। जब भी किसी दुश्मन मुल्क या दुश्मन तंजीम ने इस मुमलकते खुदादाद में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की, तो किसी न किसी जूनियर और किसी न किसी आकाश का जमीर जाग उठा और दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी और नाकाम और नामराद होकर राह फरार इख्तियार करना पड़ी। आकाश का जमीर जाग गया, वो तहरीर उसके सामने थी और उसे जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना था। वो तहरीर ये थी, आकाश भैया, ये लोग हमसाया मुल्क की तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार, असला और बारूद छुपा रखा है। ये लोग पब्लिक मकामात पर बम धमाके करना चाहते हैं। हमारे बहुत से सियासतदान इन लोगों के आलाकार बने हुए हैं और आला सतह पर पुलिस भी शामिल है। यहाँ से फौरन निकल कर उन लोगों को रोको। अगर जिंदगी रही तो मैं और मेरा दूसरा साथी आपसे जरूर मिलेंगे। मैं खुद ही आपसे राब्ता करूंगा जूनियर। आकाश ने हाथ पड़ते ही हाथ पांव खोल लिए थे। उसे जल्दी से टेबल घसीटकर दीवार के साथ लगाई और उस पर ऊपर तले 5-6 कुर्सियां रखकर अंदाजा किया कि वो बासानी रोशनदान तक पहुंच सकता है। उसे टेबल से नीचे उतरकर इकलौते दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाकर बाकी कुर्सियां दरवाजे के साथ लगा दी ताकि वो लोग फौरन अंदर दाखिल ना हो सके। उसने टेबल पर चढ़कर कुर्सियों पर पांव रखा और रोशनदान पर पहुंचा तो किस्मत मेहरबान थी, क्योंकि वहां कोई ग्रिल या जाली ना थी बल्कि आम सा होल बना हुआ था। लेकिन आकाश का जिस्म मोटा था, यानी उसे फंस कर गुजरना था। आकाश ने होल से बाहर झांका तो खुशी के मारे चीख निकल गई, क्योंकि सामने ही जूनियर खड़ा था। उसने आकाश का हाथ पकड़कर ऊपर खींचा, वो बामुश्किल उस सुराख से निकल पाया था। रोशनदान बाहर से कोई ऊंचा ना था बल्कि सड़क के साथ ही मिला हुआ था। बाहर निकलकर उसे सर्दी का झोंका महसूस हुआ। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो सिकंदर होटल के पिछली तरफ खड़े थे। जूनियर ने आकाश का हाथ पकड़कर खींचा और एक तरफ भागना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी थी। उसने जल्दी से आकाश को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद अगली सीट की तरफ बढ़ गया। आकाश को गाड़ी में बैठते ही दूसरा हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर शफी खान था। चलो उस्ताद, जल्दी करो वरना वो लोग आ जाएंगे, आकाश के बैठते ही जूनियर ने कहा और शफी खान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो बर्क रफ्तारी से गाड़ी को समुन्दर की तरफ जाने वाली शाहरा पर दौड़ा रहा था। उसकी नाक पर अभी तक पट्टी बंधी हुई थी जो आकाश के घोंसे ने जख्मी कर दी थी। वो लोग वीरान सड़क को क्रॉस करते हुए क्लिफ्टन के पुर रौनक इलाके की तरफ मुड़ गए। साहिल समुंदर पर मैकडोनल्ड के पीछे दरवाजे से शफिया ने गाड़ी अंदर दाखिल कर दी और वो नीचे तहखाने में काफी दूर तक चलती गई। आकाश हैरत से सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि शफिया और जूनियर यकीनन मुल्क के हैरहा हैं और वो बदबख्त मुल्कों और मुल्क वालों को लूट रहा था। उसे खुद पर बड़ी ही शर्मिंदगी हुई। गाड़ी एक जगह जाकर रुक गई। वो लोग नीचे उतरे तो ये एक वसी कमरा था जिसके एक तरफ दीवार में दरवाजा बना हुआ था और एक तरफ रोशनदान था। शफिया ने गाड़ी को वहीं छोड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा खोलते ही अंदर दाखिल होकर आकाश के तो होश ही उड़ गए। एक छोटा सा कमरा था जिसमें से सीढ़ियां ऊपर जा रही थी और होश उड़ाने वाली बात यह थी कि समुन्द्र की लहरों की आवाजें आ रही थी।
वो यकीनन कोई हट था जिस पर इनका कब्जा था। शफी यहाँ ऊपर चढ़ता गया, उसके पीछे जूनियर और फिर आकाश था। वो हट के दरवाजे से बाहर निकले तो सामने हदे नजर तक ठाठे मारता हुआ समुन्दर था। जूनियर ने आकाश के आने के बाद हट के दरवाजे को ताला लगाया और समुन्दर की तरफ बढ़ गए। पानी में थोड़ी दूर एक लांच खड़ी थी, वो लोग लांच की तरफ बढ़ रहे थे। उस सारे रास्ते आकाश खामोश था। उसे पहली बार जुबान खोली, ठहरो, ये तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? कहीं मेरे साथ कोई नया खेल तो नहीं खेल रहे? आकाश भाई, हमें क्या काफिर समझते हो? हमने तुम्हें भाई कहा है और तुम्हें कैद आने से निकाल कर लाए हैं, क्या आप तुम्हारे साथ धोखा करेंगे? शफी हाँ बोला। आकाश चुपचाप चलता हुआ उन लोगों के साथ लांच में बैठ गया। लांच अनजानी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। तकरीबन एक घंटे के सफर के बाद लांच ने अपना रुख साहिल की तरफ मोड़ा और किनारे पर जाकर वो लोग उतरे। हाथों में दो आदमी गन्ने लेकर अलर्ट खड़े थे। दोनों ने शफी हाँ को सलाम किया। अंदाज हालिस फौजियों जैसा था। आकाश के लिए ये भी हैरत की बात थी। वो लोग कुछ दूर तक चलते रहे और फिर एक कार में सवार हो गए। मुसल्ला अफराद में से एक ड्राइव कर रहा था, जबकि एक आदमी वहीं लांच के करीब ही ठहर गया था। ये तीनों पिछली सीटों पर विराजमान थे, जबकि आकाश के जहन में कई सवालात कीड़ों की तरह कुलबुला रहे थे, लेकिन खामोश था कि देखते हैं आखिर में क्या होता है। उसे ये इत्मीनान था कि वो अपने ही मुल्क में है। ये सारा इलाका उसका देखा वाला था, वो भी आवारा गर्दी में आला दर्जे की संद रखता था, लेकिन इन लोगों के पुरस्रार रवैये और हरकत पर हैरान जरूर था। चलो हैर, जो भी होगा देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जान से मार देंगे, लेकिन मैं आकाश हूँ, यूं ही थोड़ी मर जाऊंगा, दो चार को तो साथ ले ही जाऊंगा। वो सोचों में काफी दूर निकल जाता, लेकिन गाड़ी रुक चुकी थी और वो एक पेड़ के नीचे खड़े थे। सामने एक फार्म हाउस की इमारत थी। वो आगे पीछे चलते हुए फार्म हाउस में दाखिल हुए तो गेट पर खड़े एक और आदमी ने शफीहा को सैल्यूट किया। अंदर दाखिल होते ही आकाश को पुरशिको इमारत का एहसास हुआ। अंदर तो वाकई महलू जैसा माहौल था, जबकि हर चीज तरीके और सलीके से रखी हुई थी। सामान से अंदाजा होता था कि यहाँ के मकीन हासे बाशौर हैं और चीजों को तरीके से इस्तेमाल करने का हुनर जानते हैं। आकाश हैरानगी से हर चीज को देख रहा था। शफीहा की आवाज ने उसे चौंका दिया था। बैठो आकाश, ये तुम्हारे घर से भी ज्यादा महफूज और मजबूत जगह है, बेफिक्र हो जाओ। जूनियर एक सोफे पर बैठ चुका था। पुरुष को सोफे, कालीन और दबीज परतों ने अंदरूनी माहौल को खूबसूरत कर दिया था। बड़े हालनुमा कमरे में एक तरफ कोने से सीढ़ियां ऊपर जाती थीं और दूसरे कोने से सीढ़ियां नीचे जाती थीं। ऊपर यकीनन कोई कमरा और नीचे यकीनन कोई तहखाना जरूर होगा, आकाश ने सोचा। शफीहा की पुरस्रार शख्सियत ने उसे हैरत में डाल रखा था। ये शफीहा कौन है? लोग इसे सैल्यूट क्यों करते हैं? क्या ये फार्म हाउस इसकी मलकियत है? और बहुत कुछ था पूछने के लिए, लेकिन शफीहा की आवाज ने इसे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। जूनियर, मिस्टर आकाश को मजीद हैरान करो। जूनियर उठा और नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़कर उसने आवाज लगाई, ऊपर आ जाओ साथियों, वो पहुंच चुका है। और जो लोग उन सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे वो आकाश के लिए हैरत और परेशानी का बायस बन गए। उन लोगों को देखकर एकदम उसके मुंह से निकला, तुम, इतना बड़ा धोखा। अहमद रजा क्लास से बाहर निकला तो अहमद तमास भी पीछे पीछे था। दोस्त एक बात तो सुनाओ। कहो, रजा ने मुड़े बगैर ही जवाब दिया था। जो लोग अच्छे होते हैं वो इतने मगरूर क्यों होते हैं जैसे तुम हो? वो चलता हुआ रजा के बराबर आ गया था। रजा उसकी बात सुनकर खड़ा हो गया और सर से पांव तक उसे देखने लगा और बोला, अच्छे आदमी तो तुम भी लगते हो, तो फिर जाहिर है कि तुम भी मगरूर होगे। अच्छा आदमी तो तुम कहते हो, मेरे घर वाले मेरी कदर नहीं करते, वो बेदिली से बोला। रजा ने अंदाजा किया कि वो एहसास कमतरी का शिकार है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से कॉलेज के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई, जिस पर दो लड़के सवार थे। और पीछे बैठे हुए लड़के के हाथ में क्लाशनकोफ देकर रजा ने सोचा कि ये कोई वारदात करने आए हैं। वो सोच ही रहा था कि उस असला बरादर ने उनकी तरफ क्लाशनकोफ का मुंह करके फायर खोल दिया। उन्होंने सूरतेहाल को भांपते हुए फौरन ही अहमद तमास के करीब खड़ी हुई गाड़ी के पीछे छलांग लगा दी, लेकिन ब्रस्ट
इतना शदीद और तेजी में किया गया था कि दो गोलियां अहमद तमास को लग गई। एक गोली कमर में और दूसरी टांग में घुस गई। वो लोग असला लहराते हुए मेन गेट की तरफ बढ़े। चौकीदार ने अपनी गन सीधी करके उन पर फायरिंग कर दी। गोली उनको तो ना लगी, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गिर गई। इससे पहले कि वो संभलते, चौकीदार उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागा। उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में चौकीदार शदीद जख्मी हो गया। वो लड़के मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। कॉलेज में शदीद होफ़हराज फैल गया था। हर कोई रजा और अहमद तमास की तरफ दौड़ रहा था। अहमद तमास बेहोश हो गया था, जबकि रजा महफूज रहा था और चीख चीख कर लोगों को वहां से हटने के लिए कह रहा था, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, अहमद तमास को गोलियां लग गई हैं, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, किसी ने कहा। और किसी ने फौरन ही तमास की गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाने को कहा। तमास की जेब से चाबी निकालकर गाड़ी को खोलकर उसमें तमास को डाला गया। अगली सीट पर रजा और एक और लड़का बैठ गया। गाड़ी अस्पताल की तरफ उड़ी जा रही थी और तमास की सांसें बेतरतीब हो रही थी। रजा काफी परेशान था। वो चाहता था कि जैसे भी हो गाड़ी जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंच जाए, लेकिन सड़कों पर रश बहुत ज्यादा था। फिर भी साथी लड़का गाड़ी को उड़ाई लिए जा रहा था। चौकों पर इशारों की परवाह किए बगैर गाड़ी अस्पताल पहुंच गई। रजा ने बाहर निकलकर फौरन ही स्ट्रेचर पकड़ा। इतनी देर में अमला भी पहुंच गया। तमास को फौरन ही स्ट्रेचर पर लटाकर इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर ने फौरन ही उसका इलाज शुरू कर दिया। रजा ने एक डॉक्टर को बताया कि उसे कैसी गोलियां लगी हैं और ये एमएनए राजा सलीम का बेटा है। तभी तो जल्दी जल्दी तमाम अमला हरकत में आ गया था, वरना पुलिस केस को कौन हाथ डालता है। डॉक्टर काफी परेशान थे, लेकिन तुंधही से तमास की जान बचाने की सड़तोड़ कोशिशों में लगे हुए थे। एक डॉक्टर ने बाहर आकर रजा से पूछा, क्या आप इनके साथ हैं? तो रजा ने इस बात में सर हिला दिया। क्या आप अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपना खून देना पसंद करेंगे? डॉक्टर ने पूछा। क्यों नहीं डॉक्टर साहब, मेरा खून तमास के खून के साथ मैच कर जाए तो मुझे तो कोई इतराज नहीं। आप चाहे मेरे जिस्म से मेरा तमाम खून निचोड़ लें, लेकिन मेरे दोस्त की जान बचा लें। वो बेहयाली में ये भी भूल गया था कि अभी तक उसने तमास से दोस्ताना हाथ तो मिलाया ही ना था, लेकिन फिर भी वो इतना परेशान था जैसे तमास उसका क्लास फेलो ना हो बल्कि सगा भाई हो। वो डॉक्टर के साथ लेबोरेटरी तक पहुंच गया था। डॉक्टर ने सिरिंज में डाला हुआ तमास का खून लेबोरेटरी अटेंडेंट को दिया और रजा की तरफ इशारा करके कहा कि इनका खून टेस्ट करके फौरन मुझे रिपोर्ट दो। रजा स्ट्रेचर पर लेट गया और लेबोरेटरी अटेंडेंट ने उसका खून सिरिंज में भरना शुरू कर दिया और बोला कि उम्मीद है कि आपका खून मैच हो जाएगा। रजा ने तशक्कुर भरे अंदाज में मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। डॉक्टरों ने कमर से गोली तो निकाल दी थी, लेकिन तमास बदस्तूर बेहोश था क्योंकि खून काफी जाया हो चुका था। गाड़ी भी खून से भर गई थी। रजा का खून मैच कर गया था। अब तमास को बोतल लगी हुई थी और वो सोच रहा था कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इन दोनों पर कातलाना हमला किया था। ये यकीनन तमास के दुश्मन होंगे क्योंकि वो एक अमीर बाप का बेटा था और अमीर लोगों के दुश्मन काफी होते हैं। और रजा पास खड़ा था, वो भी मुफ्त में रगड़ा गया। इतनी देर में पुलिस अस्पताल में पहुंच चुकी थी और डॉक्टरों ने बताया था कि रजा तमास को लेकर आया है। और फिर पुलिस अपने रवायती तरीकों से पूछने लगी, हाँ तो मिस्टर रजा, वो कौन लोग थे जिन्होंने तमास पर गोली चलाई? एक सब इंस्पेक्टर जिसका नाम शेराजी था उसने रवायती अंदाज अपनाते हुए कहा। क्या मतलब कि कौन लोग थे? आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो मेरे वाकिफ थे। रजा ने भी छुपता हुआ अंदाज अपनाया। वो जानता था कि पाकिस्तानी पुलिस लोमड़ी को भी हाथी कहने पर मजबूर कर देती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी तमास के साथ ही था जब इस पर बल्कि हम दोनों पर हमला हुआ है। ये मेरा क्लास फेलो है, होश में आएगा तो इससे भी पूछिएगा, मुझसे नहीं, क्योंकि मैं अच्छा भला हूँ और होश में खड़ा हूँ। रजा का ये रूप अनोखा था और हैरान कुन भी। जब ये मेरे साथ स्टडी रूम में जाओगे तो होश भी गंवा बैठोगे और सब कुछ बक दोगे। इससे पहले कि इंस्पेक्टर मजीद कुछ कहता, एक अच्छा हासा आदमी जो कि ब्लू रंग के सूट में मलबूस था, ऊपर से मैरून कलर की वेस्ट कोट पहने हुए था, बड़ी शान और तमकिन से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में मोबाइल फोन था और साथ में दो बॉडी गार्ड भी। इंस्पेक्टर ने इसे देखते ही सलाम किया और एड़िया बजते ही अस्पताल का बरामदा भी गूंज उठा था। राजा साहब, आप अब आपका बेटा खतरे से बाहर है, अल्लाह ताला ने इसे नई जिंदगी दी है, डॉक्टर ने आने वाले साहब से कहा। तो रजा को भी पता चला कि ये राजा सलीम है, तमास का बाप, यानी एमएनए राजा सलीम, एक कदावर शख्सियत,
क्लीन शेव किए हुए एक ग्रेसफुल शख्सियत के मालिक थे। उनका रोब और दबदबा उनके सियासी हलका में मशहूर था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस वक्त वो हुकूमती एमएनए थे। राजा साहब ने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया और डॉक्टर से बोले कि क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? जी नहीं, अभी कुछ देर बाद आप मिल सकेंगे। डॉक्टर के इनकार के बाद राजा साहब ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा तो वो अपने नंबर बनाने के लिए आगे बढ़कर एक बार फिर सलाम करके बोला, राजा साहब, हमने इस लड़के को मशकूक जानकर इससे कुछ पूछना चाहा है तो ये अपने ही टोर में बोलता है। उसने रजा की तरफ इशारा किया और इससे पहले कि राजा साहब रजा से कुछ पूछते, डॉक्टर ने कहा, आप कैसी बातें करते हैं? डॉक्टर राजा साहब की तरफ मुतवज्जा हुआ। राजा साहब, अगर ये लड़का ना होता तो आपके बेटे को खुदा ना हास्ता कुछ भी हो सकता था। इस लड़के ने तो अपना खून दिया है, तभी तो तमास की जान बचाई जा सकी है। उसने राजा साहब की तवज्जो रजा की तरफ दिलाई तो इंस्पेक्टर अपना सा मुंह लेकर रह गया। राजा साहब रजा की तरफ बढ़े तो रजा भी आगे बढ़ाया। राजा साहब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोले, मेरा नाम राजा सलीम है और तुम जानते होगे कि मैं एमएनए हूँ और तमास का बाप भी। मैं तुम्हारा बेहद ममनून हूँ कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है और ये मेरी जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा। जिंदगी में कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर बताना, मुझे खुशी होगी अगर हम तुम्हारे काम आ सके। रजा ने राजा साहब का हाथ थाम कर सलाम वाले अंदाज में अपना हाथ मिलाया, लेकिन राजा साहब ने उसका हाथ थाम कर छोड़े बगैर तमाम बातें की थी और अब उसका हाथ छोड़कर इंस्पेक्टर से मुहातब हुए, अगर तुम सही आदमी तक नहीं पहुंच सकते तो ये वर्दी उतार दो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अपने बड़ों को मेरे पास भेजो और अब चले जाओ यहाँ से। और इंस्पेक्टर ढीला सा सैल्यूट करके चलता बना। डॉक्टर ने आकर तमास के होश में आने की खबर सुनाई तो राजा साहब एकदम अंदर की तरफ दौड़े, जैसे वो अपने इकलौते बेटे को देखने के लिए बहुत बेचैन थे। रजा भी साथ ही अंदर दाखिल हो गया। अहमद तमास मुकम्मल होश में था।